हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की डीके गोयल की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपने चैप्टर 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28C। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28C क्या बोल रहा है। लेकिन मैं, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मैंने आपके सुटेबिलिटी के लिए अपने क्वेश्चंस को A4 शीट पे ही लिख लिया है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं भी आपसे इन रिटर्न चाहती हूँ कि आप मुझे इस वीडियोस पे खूब सारा प्यार दें अपना। तो आइए मैं देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28C हमारा क्या बोल रहा है। ए बी एंड सी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2015। उन्होंने क्या किया, 1 जुलाई 2015 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर सी एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31st मार्च। ठीक है, उन्होंने क्या किया, लास्ट के 9 मंथ में क्या किया अपना, उन्होंने लास्ट के 9 मंथ में वो क्या किया है, ड्रॉइंग किया है सी ने। इफ ही विड्रॉस 10,000 पर मंथ, और यहाँ पे दिया नहीं है, बस पर मंथ दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है, जब पर मंथ दिया रहता है तो हम क्या मानते हैं कि वो हर महीने के मिडिल में पैसा निकाल रहा होगा। ठीक है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम इनका टोटल ड्रॉइंग निकालेंगे। 10,000 पर मंथ निकाल रहे थे और 9 मंथ के लिए निकाला है, मतलब उनका बिजनेस ही 9 मंथ तक चला होगा, क्योंकि 1 जुलाई से स्टार्ट किया और 31 मार्च को क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, तो 10,000 × 9 करेंगे तो 90,000 आएगा। एवरेज पीरियड क्या है उसका, एवरेज पीरियड आप जब निकालोगे जुलाई से, तो देख सकते हो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, उसने क्या किया होगा, जुलाई के मिडिल में निकाला होगा ना, तो जुलाई के 15 दिन तो चले गए, मतलब 15 दिन का नहीं देना है, जुलाई का सिर्फ 15 दिन और इधर के 8 महीने, 3, 6, 8 महीने, मतलब 8.5 महीना उसके फर्स्ट ड्राइंग के बाद 8.5 महीना बच रहा है। और वो लास्ट ड्राइंग कब किया होगा, मार्च के 15 दिन में। ठीक है, मतलब मार्च का 15 दिन आखिरी ड्राइंग के बाद भी उसका मार्च का 15 दिन बच रहा है। ठीक है, तो आखिरी का 15 दिन डिवाइडेड बाई 2, मतलब 4.5, मतलब 4.5 महीने का उसको क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे, तो 90,000 × 9/100 × 4.5/12। तो इसका आंसर आएगा हमारा, वेट अ मिनट, मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। 90,000 अमाउंट कितना है, 9% के हिसाब से आपको निकालना है और 4.5 मंथ का निकालना है। ठीक है, 12 के हिसाब से, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, आप इसको 2 से काटोगे तो कट जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 450, फिर आप 2 से काटोगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 225 को आप 3 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, 3 5 ज़ा 15 का 5 पर 1 जाता है 6 6 7, और 3 2 ज़ा 6, 675 को आप जब 45 से इंटू करोगे तो 5 5 ज़ा 25 का 5 ऊपर 2 जाता है, 7 5 ज़ा 35, 36 37 का 7 ऊपर 3 जाता है, 5 6 ज़ा 30 33, और 4 5 ज़ा कितना होता है, 5 4 ज़ा 20 का 0 ऊपर 2 जाता है, 4 7 ज़ा 28 29 30 का 0 ऊपर 3 जाता है, और 4 6 ज़ा 24 में जब 3 प्लस करोगे तो 25 26 27। ठीक है, तो ये आता है हमारा 5 7 3 10 का 0 ऊपर 1 जाता है 3, तो हमारा 1 के बाद पॉइंट था, तो 1 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो आएगा 3037.5 रुपीज। ठीक है, 3037, मतलब 3000 है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, 3038 रुपीज़। ठीक है, इसको हमने इसी में कैलकुलेट कर लिया, 5 है तो 38 कर दिया इसको, 3038 रुपीज़ क्या आएगा उसका, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।